हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन इन पल्सेस। जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो दालों में प्रोटीन होती है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस दाल में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है। तो उसके एक ट्रिक के माध्यम से हम 1 मिनट में याद कराएंगे आपको और ये कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चना है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए 21 और ये 21, फिर ये मटर के सामने लिख लेते हैं 22, इसके लब के सामने लिख लेते हैं 23, इसके सामने लिख लेते हैं 24, इसके सामने 25 और इसके सामने भी 25। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखिएगा ये लाइन याद रखे। चना और मटर से लब करके उर्दू वाले मुल्ला जी मशहूर हो गए है ना। तो ये लाइन याद रखनी, चना और मटर से लब करके उर्दू वाले मुल्ला जी मशहूर हो गए ना। अब देखिए, चना में प्रोटीन 21% और से हो गया अरहर, और से क्या हो गया अरहर, अरहर में भी प्रोटीन 21%। मटर सीधा सीधा है, मटर में 22%। लब मतलब लोबिया, लोबिया मतलब काउपी, जिसको शाकाहारी मीट भी कहते हैं, इसमें प्रोटीन 23%। उर्दू मतलब उड़द, उड़द है ना, उड़द, इसमें प्रोटीन 24%। मुल्ला जी, मुल्ला जी मतलब मूंग, मूंग में प्रोटीन 25%। मसूर, मसूर मतलब, मसूर मतलब मसूर, इसमें प्रोटीन 25। अब देखिए कंफ्यूजन होगा कि कितने 24 कितने 25, तो शुरू 21 से होगा। चना और मटर से लग करके उर्दू वाले मुल्ला जी मशहूर हो गए। पहला और आखिरी जो है उसमें बढ़ेगा नहीं, क्या मतलब, चना और मतलब चना भी 21 रहेगा और से अरहर, इसका दोनों का क्या रहेगा 21 21, यहाँ नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, मटर 22, लोबिया 23, उड़द 24, मूंग 25, मसूर 25, मतलब कि लास्ट के दो मतलब 21 से शुरू होगा, 25 पे खत्म होगा। 21 पे सेम रहेगा दो शुरू का और लास्ट का भी सेम रहेगा। तो क्या होगा, चना और मटर से लग करके उर्दू वाले मुल्ला जी मशहूर हो गए। कुल मिलाकर चना में 21%, अरहर में और से अरहर, अरहर में 21%, फिर मटर में 22, लोबिया में 23, उड़द में 24 और मूंग में 25 और मसूर में 25% प्रोटीन। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 7 दालें जो हैं इनकी प्रोटीन आपको एक बार में आसानी से याद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।